आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बीजगणितीय घटाव के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सीखा था बीजगणितीय योग के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बीजगणितीय घटाव में कहीं भी और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हमारे सामने यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है कि 3a + 4b + c, इसमें से हमें घटाना है, ये घटाव का चिन्ह है, तो इसमें से हमें घटाना है 6a + 9b - 2c। देखिए करना क्या है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है घटाव इसके। देखो किस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले तो हमें जो पहली संख्या दी हुई है उस संख्या को एज इट इज लिखना है। तो यहाँ से 3a + 4b + c इसको एज इट इज लिखना है। अब उसके बाद क्या करना है कि जो हमारी दूसरी संख्या जिसे हमें घटाना है उसे इसके नीचे लिखना है। लेकिन आपको वही वाली बात, पहली वीडियो वाली बात याद रखनी है, क्या कि हमें समान पद के नीचे समान पद लिखना है। जैसे कि ए वाले पद को ए वाले पद के नीचे लिखना है, बी वाले पद को बी वाले पद के नीचे लिखना है और सी वाले पद को सी वाले पद के नीचे लिखना है। बस इसी काम को करना है। तो यहाँ से आपको 6a + 9b - 2c। अब उसके बाद क्या करना है, देखो आपको अब उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक लाइन खींचनी है इस तरीके से। अब देखो हमें इस संख्या को क्या करना है, इसमें से घटाना है। तो याद रखना है कि जो हमारे पास नीचे संख्या होगी हमें क्या करने हैं, जो हमारे पास नीचे संख्या होगी उसके जो भी अवयव होंगे उन सभी अवयवों के आपको क्या करने हैं, साइन चेंज करने हैं, यानी कि चिन्ह परिवर्तित करने हैं। आपको इतना याद रखना है बस। देखो दोबारा बताता हूं, पहली वाली संख्या को एज इट इज लिखना है और जो दूसरी वाली संख्या होगी उसे उसके नीचे लिखना है और उसके जो अवयव होंगे उन सभी अवयव के क्या करने हैं, चिन्ह परिवर्तित करने हैं। तो जैसे यहां पर हम देखें तो 6a यहां पर किसका है, ये प्लस का है। इसका अगर हम चिन्ह परिवर्तित करेंगे तो प्लस को किस में कर देंगे, याद रखना प्लस को हम कर देंगे माइनस में, और जो माइनस होगा इस माइनस को कर देंगे हम प्लस में परिवर्तित कर देंगे। तो इसी तरीके से देखिए ये है प्लस का, प्लस को हम परिवर्तित किस में कर देंगे, माइनस में। यहाँ पर ये देखिए ये है प्लस का, इस प्लस को किस में कर देंगे, माइनस में। ये है माइनस का, इस माइनस को किस में हम चेंज कर देंगे, इसमें कर देंगे प्लस में। ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि हमने चिन्ह परिवर्तित क्यों किए, क्या रीजन था इसके पीछे, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले आप इस काम को कीजिए। तो देखिए अब हमारे पास संख्या हो चुकी है ये 3a प्लस का है। अब हमको सिंपली क्या करना है, जैसे हम जोड़ करते थे उसी तरीके से हम यहाँ पर इन संख्याओं को सिर्फ अब हल करना है इस संख्या को। तो देखिए ये 3a प्लस का है, ये 6a किसका हो गया, अब माइनस का हो गया। अब याद रखना है जो हमने चिन्ह परिवर्तित किए थे उन चिन्हों को लेना है। तो ये 3a प्लस का है, ये 6a माइनस का हो गया। कौन सा बड़ा है, माइनस वाला बड़ा है। तो माइनस 6a से हम क्या करेंगे, प्लस 3a को घटा देंगे। तो कितना बचा, ये बचा हमारे पास माइनस 3a। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए ये है प्लस 4b और ये है माइनस के 9b। कौन सा बड़ा है हमारा इसमें से, इसमें से हमारा बड़ा है माइनस 9b। तो हम क्या करेंगे, माइनस 9b से प्लस 4b को घटा देंगे। तो कितना बचा, ये बचा माइनस के 5b। अब देखिए उसके बाद आगे ये प्लस सी और ये हमारा क्या है, प्लस 2c। तो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो प्लस 2c और 1c कितने हो गया, 3c। और यही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका प्रश्न था कि आखिरकार हमने चिन्ह को परिवर्तित किया क्यों, क्या जरूरत पड़ी हमें ऐसी। तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि पहली वाली संख्या एज इट इज, जब हम दूसरी वाली संख्या को सॉल्व करेंगे तो देखो क्या है, हमने एक बात सीखी है कि जब भी किसी ब्रैकेट के आगे कोई भी साइन लगा हुआ होता है तो उस साइन का उस ब्रैकेट वाले जो अंदर ब्रैकेट में अवयव यानी कि एलिमेंट होते हैं उन सभी में क्या होता है, उसका गुणा हो जाता है। तो अब मैं इसी हिसाब से, भाई देखो यहाँ पर इस ब्रैकेट के आगे क्या लगा हुआ है, यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ है, तो इस चिन्ह का इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो जब ये माइनस इस प्लस 6a से, अच्छा याद रखना चिन्ह चिन्ह से गुणा करता है, अचर राशि से करती है और चर राशि से गुणा करते हैं, यानी कि समान समान सभी अपने जोड़े के एलिमेंट से ही गुणा करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये माइनस इस प्लस से करेगा तो यहाँ पर क्या बना लेगा, माइनस बना लेगा जो हमने लिखा है। ये माइनस जब इस प्लस से करेगा तो माइनस बना लेगा, ये माइनस जब इस माइनस से करेगा तो क्या बना लेगा, प्लस बना लेगा। समझ में आएगा, इसलिए हमने क्या किए थे, ये हमने चिन्ह परिवर्तित किए थे।
चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न हमें इस तरीके से दिया हुआ है। तो मैंने क्या बताया है, सबसे पहले आपको जो पहली संख्या हमें दी गई है उसको एज इट इज लिखना है। तो 7x + 6y - 19। अब उसके बाद क्या करना है कि जो भी दूसरी वाली संख्या है उसे इसके नीचे लिखना है। तो चलिए लिखिए, ये देखिए यहां पर ये क्या है, वाई वाला पद है, तो हमें इसके वाई वाले पद को नीचे ही रखना है हमें इसको। तो देखिए यहां से ये +8y, तो +8y। अब ये देखिए ये है 9x, तो इसे x वाले पद के नीचे लिखिए +9x। प्लस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ पर ये -2 कॉन्स्टेंट है, नीचे लिखिए इसके -2। अब उसके बाद देखो क्या करना है, हमें घटाना है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास नीचे वाली संख्या होती है उसके अवयव जो होते हैं उनके चिन्ह को परिवर्तित कर देते हैं। तो परिवर्तित कीजिए, देखिए ये प्लस है तो यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है यहाँ से माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ से ये प्लस हो जाएगा। तो चलिए अब इनको हल कर दीजिए बस सिंपली। तो ये है +7x और ये है -9x। तो कौन सा बड़ा है, माइनस वाला बड़ा है। तो -9x से +7x घट जाएगा, कितना बचा -2x। अब ये देखिए ये +6y और ये है -8y, कौन सा बड़ा है, -8y बड़ा है। तो देखिए -8y से हम 6y को घटाएंगे तो कितना बचा -2y। अब ये देखिए ये है +2 और ये है -19, कौन सा बड़ा है, -19 बड़ा है। तो -19 से हम क्या करेंगे, इस +2 को घटा देंगे, तो कितना बचा यहाँ से हमारे पास में, ये बचा -17। और यही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी तरीके से कुछ प्रश्नों को और देखते हैं जिससे आपका डाउट पूरी तरीके से हमारे सामने यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्न क्या है हमारा, 2a + 2b - 4, इसमें से हमें घटाना है 2a + 4a + 3b। तो देखिए वही हमारा रूल, सबसे पहले हमें पहली वाली संख्या को एज इट इज लिखना है। तो पहली वाली संख्या को ऐसे ही लिखिए 2a + 2b - 4। अब उसके बाद क्या करना है, दूसरी वाली संख्या को लिखना है नीचे। तो देखिए 4a 2a के नीचे आएगा, तो 4a, ये 3b b वाले पद के नीचे +3b। अब देखिए इसमें केवल 2 एलिमेंट है, इसमें 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हमारा जोड़ीदार मिलता है उसको नीचे लिख देते हैं और जो नहीं मिलता उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखो सिंपली हमें अगर घटाना है तो नीचे वाली संख्या के हमें क्या करने पड़ते हैं, चिन्ह परिवर्तित करने पड़ते हैं। ये प्लस वाली है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब इनको क्या करना है, सिंपली हल कर दो। देखो यहाँ पर है ये +2a, ये है -4a, कौन सा बड़ा है, -4a बड़ा है। तो -4a से 2a घट जाएगा, कितना बचा -2a। ये है -3b, ये +2b, कौन सा बड़ा है, -3b बड़ा है। तो -3b से जब 2b को हम घटाएंगे तो कितना बचा, ये बचा यहाँ से हमारे पास -b बचेगा खाली, 3b से 2b गया तो -b। अब देखिए -4 सिंपली ऐसे एज इट इज लिख दीजिए इसको और यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, पहली संख्या को एज इट इज यानी कि x/+1, इसके बाद क्या करना है, हमें इस संख्या को इसमें से घटाना है। तो देखिए पद के नीचे पद लिखिए, xy वाला पद xy वाले पद के नीचे, तो 3xy। अब देखिए -4 यहाँ आ जाएगा -4, ठीक। अब देखो घटाना है तो नीचे वाली संख्या के चिन्ह परिवर्तित, ये प्लस है तो इसको माइनस, ये माइनस है तो इसको प्लस। अब देखिए ये -3xy है, ये +xy है, तो कौन सा बड़ा है, -3xy, इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना बचा -2xy। ये +1 है, ये +4 है, कितना हुआ +5, दोनों जुड़ जाएंगे भाई, यही क्या हो जाएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को चैनल पर बने